हाय गाइस, आज हम एक बड़े से नीलगाय के शारीरिक बनावट के बारे में बात करते हैं। ये जो नीलगाय है दिखने में लगभग घोड़े जैसा दिखता है, लेकिन फर्क है कि घोड़ा पीछे से ऊंचा होता है, आगे से भी, आगे से इतना ऊंचा नहीं होता जितना पीछे से होता है। उसका पीछे का पोर्शन बहुत भारी होता है और नीलगाय का अगला पोर्शन बहुत भारी होता है, पीछे से थोड़ा हल्का होता है और नीचा होता है। अब इसका कारण ये भी हो सकता है कि ये ज्यादातर ऊंचे ऊंचे पेड़ों से पत्तियां तोड़कर खाता है, जैसे आप देख रहे हो कि ऊपर गर्दन करता है। तो कहते हैं कि प्रकृति में आदमी जिस तरीके की हरकतें करता है वैसा ही बनता चला जाता है। तो ये ऊपर को गर्दन बार बार करने की वजह से ऊपर अपने शरीर को जोर से खींच खींच के ऊपर की टहनियों को पकड़ने की वजह से ये आगे से ऊंचा हो गया हो हजारों सालों में। तो अब आज मैं बात करता हूं इसके वजन की। तो गाइस, एक बड़े नीलगाय का वजन यानी नर का लगभग 250 से 300 किलो हो सकता है। यस दोस्तों, आप नेट में सर्च करोगे आपको मिलेगा। लेकिन छोटा नीलगाय यदि एक मादा है और वो वयस्क है तो उसका वजन आपको 200 किलो से भी कम बैठेगा। लेकिन भारी भरकम जो सामने आपको नजर आ रहा है ये अपने आप में है बहुत बड़ा नर है, इससे भी बड़े बड़े। एक दो बार मैंने आपको अपलोड वीडियो किए हैं, लेकिन ये सामने दिखने वाला है जिसका लगभग 260 किलो वजन हो सकता है। इसीलिए लोग शिकार करते हैं। हिंदुस्तान है जहाँ आपको अभी भी नजर आ रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान आप लोग तो मार के खा जाते हो। फोटो में देखोगे और कहा देखोगे। दोस्तों धन्यवाद।